आगे नहीं बढ़ो। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर बेगूसराय के एसपी ने नगर थाने परिसर में एक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। आम लोगों के विश्वास और सहयोग से ही जिले में अपराध नियंत्रण संभव है। नगर थाना परिसर में एक हेल्प डेस्क की शुरुआत कर पुलिस इस दिशा में कदम बढ़ा दी है। यहां से अब आधे घंटे में ही आवेदक को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बात एसपी योगेंद्र कुमार ने सोमवार को कही। वे नगर थाना परिसर में एक हेल्प डेस्क का उद्घाटन करने के बाद ये सब बोल रहे थे। एसपी ने कहा कि लोगों से शिकायत मिल रही थी कि थाने की पुलिस शिकायत नहीं सुनती है, थाना अध्यक्ष मिलते नहीं है, अब वो भी समस्या दूर हो गई है। नगर थाना परिषद में राज्य सरकार के आदेश पर हेल्प डेस्क से हर छोटी मोटी बड़ी जानकारी दी जाएगी। मोबाइल चोरी हो गया हो या गुम हो गया हो, इसकी शिकायत 10 मिनट में दर्ज होगी। थाना अध्यक्ष को स्पेशल निर्देश दिया गया है कि थाना परिषद पहुंचने वाले हर फरियादी को बैठने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। खासकर महिलाओं को अपनी समस्या और एफआईआर करने में परेशानी होती थी, इसके लिए स्पेशल 2 महिला अधिकारी की तैनाती की गई है। हेल्प डेस्क पर 24 घंटे पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। एसपी कार्यालय से हेल्प डेस्क की मॉनिटरिंग होगी। यदि पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी पर नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज सब बताएगा। यदि शिकायतकर्ता वरीय पुलिस अधिकारी के यहां आकर शिकायत करेंगे कि थाना गए और पुलिस अभद्र व्यवहार किया अथवा पुलिस अधिकारी नहीं थे, फुटेज बताएगा कि शिकायतकर्ता थाना गए थे या नहीं, उनकी झूठ पकड़ी जाएगी। एसपी ने बताया कि इसकी सफलता मिलने के बाद हर थाने में हेल्प डेस्क का गाथा होगा। मौके पर मुख्यालय डीएसपी नीतीश प्रिया, सदर एसडीपीओ अमित कुमार, ट्रैफिक डीएसपी, नगर थाना अध्यक्ष राम निवास सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद थे। हेल्प डेस्क बनाया गया, क्या उद्देश्य है इसका बनाने का? आम जनता की सहूलियत के लिए आज नगर थाना में एक हेल्प डेस्क काउंटर की शुरुआत की गई है। यहाँ पे एक महिला पुलिस पदाधिकारी और एक पुलिस अधिकारी 24 घंटा यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिसकी निगरानी मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमरा से की जाएगी। देखिए, एक शिकायत आम पब्लिक से बार बार हम लोग के पास आती थी कि पुलिस स्टेशन पर जाते हैं किसी छोटे से भी काम के लिए तो वहाँ किससे मिलना है, कहाँ मिलना है कुछ समझ में नहीं आता है, अप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करें ये भी नहीं पता चलता है, और छोटे से काम में बहुत वक्त उनका वहाँ पे जाया हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आज इस हेल्प डेस्क की यहाँ शुरुआत की गई है, और यहाँ पे एफआईआर करने के लिए कोई भी आवेदन दे सकता है। एफआईआर की कॉपी आधे घंटे में यहाँ पे अब दी जा रही है। मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत यहाँ पे तुरंत दर्ज कराई जा सकती है। कांड के अनुसंधान में क्या प्रगति है उसकी भी जानकारी इस हेल्प डेस्क के द्वारा दी जाएगी, और किसी चीज़ की नकल निकालनी है वो भी यहाँ पे आम पब्लिक को दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी कोई भी समस्या अगर है तो महिला हेल्प डेस्क की एक अधिकारी 24 घंटा यहाँ मौजूद रहेगी, तो महिलाएँ भी बड़े आराम से यहाँ पर आके अपनी समस्या दर्ज करा सकती हैं। और चूँकि ये पूरा सिस्टम सीसीटीवी जो हम लोग का यहाँ पर लगा है इसकी निगरानी में रहेगा, और कंट्रोल रूम से मेरे द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो इससे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पे फिक्स करने में इससे मदद मिलेगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, और हमारा ये उद्देश्य है कि पुलिस स्टेशन पे कोई भी आम पब्लिक आती है तो उसका काम 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए और उसको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। मैं आप लोग के थ्रू ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति से या दलालों से बिल्कुल भी संपर्क ना करें। पुलिस स्टेशन पे कोई भी काम हो सीधा हेल्प डेस्क पे आएँ, आपका काम यहाँ से 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। पदाधिकारियों को किस तरह का थाना प्रभारी अगर नहीं होते थे थाना में जो शिकायत करता आते थे, मिले किस पदाधिकारी से, मिले कौन हमारी बात सुनेगा, तब ये समस्या दूर हो जाएगी सर? ये समस्या पूरी तरह से दूर हो भी गई है अब, क्योंकि अब एक प्रावधान कर दिया गया है पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार कि 2IC की पदस्थापना की गई है पुलिस स्टेशन में। कई बार होता है कि SHO किसी ड्यूटी से बाहर गए हैं तो 2IC यहाँ मौजूद रहते हैं, मतलब जो उसके सेकेंड इन कमांड है, और आप देख सकते हैं कि हमारी 2IC सब इंस्पेक्टर निधि हैं, वो हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि SHO से मिलने की आवश्यकता हो, 2IC के द्वारा ही वो काम कर दिया जाएगा। कई तरह की सर ऐसी शिकायतें आती है कि मेरे सुनवाई नहीं हो रही है, सुनते नहीं, किस तरह के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, क्या है इसके लिए? देखिए, अधिकारियों को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस स्टेशन पर कोई भी पब्लिक आएगी सबसे पहले उसको पानी पिलाना है, उसको आराम से बैठाना है, उसकी बात सुननी है। हेल्प डेस्क पर हमारे जो महिला और पुरुष पदाधिकारी हैं उनका काम ही यही है कि पब्लिक आएगी तो उसको अपने सामने बैठाना है और सबसे पहले उसकी बात सुनना है, और उस पर जो उचित कार्रवाई है वो 10 मिनट के अंदर काम करके उनको रवाना करना है। महिलाओं के अंदर जो भय और संकोच रहता था सर आमतौर पर थाना में आने के लिए, अब वो दूर होगा सर? आधी रात को भी महिला आ सकती है? बिल्कुल दूर होगा। देखिए, ये महिला हेल्प डेस्क भी यहाँ पर चल रहा है, हमारी सारी महिलाएं सिपाही महिला हेल्प डेस्क पे हैं, रात को भी ये हेल्प डेस्क 24 घंटा चालू रहता है, और हमारे हेल्प डेस्क में भी चाहे दिन हो या रात हो कोई भी महिला आएगी तो एक महिला ऑफिसर उसको हमेशा यहाँ बैठी हुई मिलेगी।
और वो ना बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, इसके लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम से मेरे द्वारा स्वयं मॉनिटरिंग की जाएगी। धन्यवाद।